अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या साहब, कैसा लगा? सब ठीक था ना? इतनी गंदी एक्टिंग करते हो तुम लोग यार। ऐसे कौन हंसता है? लेकिन चलो, जो सोचा था सब कुछ उसके आसपास ही हुआ है। तीर शायद निशाने पे लगा है। ये पैसे तुझे सिर्फ इसलिए दे रहा हूं कि तुम लोग नाकाबिल तो हो लेकिन निकम्मे नहीं। बोल, बस अब एक बात ध्यान रखना, ना आज के बाद तू मुझे जानता है ना मैं तुझे। काफी दिनों तक तो मेरे आसपास ही मत भटकना, निकल। ठीक है। यशोदा जी, अब आप अपने ससुर को सफाई दीजिए, उनसे निपटिए। ससुर जी, आप मोहल्ले को सफाई दीजिए, उनसे निपटिए। मैं यशोदा जी की अग्रिम जमानत लेके आता हूँ। यशोदा जी का बाहर रहना बहुत जरूरी है। बाबूजी, मेरी बात सुनिए। बाबूजी, आप गलत समझ रहे हैं। बाबूजी, आपको भरोसा नहीं है क्या मुझ पर? बाबूजी, मेरी बात सुनिए, मुंह तो धो लीजिए। बाबूजी, नहीं, रुक जाओ यशोदा, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाना। देखिए, देखिए आप सब हमें देखिए, क्योंकि आज हम आप सबके सामने एक बहुत बड़ी सीख बने। हमें देखकर सीख लीजिए कि जब घर की इज्जत, घर की मर्यादा टूट जाती है, बड़े बुजुर्गों के साथ ऐसा होता है। बाबूजी, आप गलत समझ रहे हैं। लोग गलत बातें कर रहे हैं मेरे बारे में, लेकिन लोग चाहे जो कहे, मैं जानती हूँ सच क्या है। और सच यही है बाबूजी कि आपकी यशोदा जो कल थी वही आज है। चुप, बिल्कुल चुप। हम तुम्हें अपने घर की इज्जत बनाकर लाए थे, लेकिन आज आज तुमने हमारी इज्जत सड़ पर लुटा दी। और अब जब तुमने हमारी इज्जत सड़ पर लुटा ही दी है, तो तुम्हें बहू खिलाने का कोई हक नहीं है। हिलना नहीं यहां से, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। यशोदा, लोग तुम्हारे बारे में जो भी कहते हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बरसों से जानते हैं हम तुमको, लेकिन बहू कृष्णा की दूसरी मां बनने के चक्कर में अपने खुद के ससुर के चेहरे पे कालिक लग जाए, ये ठीक नहीं है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।